Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about another type of asexual reproduction, that is spore formation and vegetative reproduction. So first, we are going to discuss spore formation. तो spore formation का मतलब है कुछ organisms जो हैं वो उनकी body में एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं और ये जो स्पोर हैं उसमें से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें स्पोर के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। और मेनली जो बैक्टीरिया है वो ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। अब एंडो यानी कि विद इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो है वो स्पोर फॉर्म होता है और जैसे ही वो स्पोर आउटसाइड रिलीज होगा तो उसमें से एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली कुछ फंजाई और प्लांट्स लाइक एल्गी जो है वो भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब मेनली फंजाई और प्लांट्स में जो स्पोर हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक है जू स्पोर और सेकंड है कॉनिडियोस्पोर। अब जू स्पोर यानी कि ऐसे स्पोर जो मूवमेंट कर सकते हैं बिकॉज दे ऑल आर मोटाइल। और ये ऑर्गेनिज्म और ये जो स्पोर है वो मोटाइल क्यों है, क्योंकि इनके पास इस तरह से ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो है फ्लैजेला। तो जिस भी स्पोर या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास से फ्लैजेला होती है तो वो उस फ्लैजेला के थ्रू मूव हो सकते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजेला है या फिर जिस स्पोर के पास फ्लैजेला है वो मेनली मोटाइल होगी, यानी कि वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे स्पोर जो मोटाइल है बिकॉज ऑफ द फ्लैजेला उन्हें हम बोलते हैं जू स्पोर्स। तो जू स्पोर मेनली यहाँ पे आप जो देख रहे हो एक सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम, जिसमें बहुत सारे जू स्पोर जो है वो फॉर्म होते हैं। और जैसे ही ये जो जू स्पोरेंजियम है उसकी वॉल ब्रेक होगी तो उसमें से इस तरह से बहुत सारे जू स्पोर जो है वो रिलीज होंगे। और ये जो हर एक स्पोर है उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से एक पेरेंट सेल में से बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब मेनली ऑर्गेनिज्म लाइक यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम विच इज़ फंजाई, देन क्लेमिडोमोनास विच इज़ सिंगल सेल एल्गी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो मेनली जू स्पोर फॉर्म करते हैं और उसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। नाउ सेकंड टाइप इज़ कॉनिडियोस्पोर। अब मेनली कॉनिडियोस्पोर जो है वो एक स्मॉल राउंड लाइक स्ट्रक्चर है और ये मेनली इमोटाइल है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ये जो सारे राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है कॉनिडियोस्पोर और इनमें से किसी की भी पास कोई भी फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर नहीं है तो उनकी वजह से ये मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये जो कॉनिडियोस्पोर है उन्हें नॉन मोटाइल स्पोर भी बोलते हैं। और मेनली इनकी एक स्पेसिफिक बात है कि ये सारे जो कॉनिडियोस्पोर है वो मेनली चेन्स में होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो है पेनिसिलियम फंजाई का। तो इसमें जहाँ भी कॉनिडियोस्पोर की चेन फॉर्म होगी उसे हम बोल रहे हैं कॉनिडियोफोर, यानी कि ऐसा रीजन जहाँ से
कॉनिडियोस्पोर की चेन जो है वो प्रोड्यूस होगी, और इस चेन में से हर एक कॉनिडियोस्पोर जो है वो रिलीज होगा, और इस हर एक कॉनिडियोस्पोर में से एक नया ऑर्गेनिज्म और एक नई पेनिसिलियम फंजाई जो है वो जनरेट होगी। तो इस तरह से और भी फंजाई जैसे कि एस्परजिलस भी कॉनिडियोस्पोर प्रोड्यूस करती है। तो ये मेनली दो स्पोर जो फंजाई और अल्गी में होते हैं। नाउ अब हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम जनरली बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि प्लांट के किसी भी पार्ट में से पूरा एक नया प्लांट जो है उसे जनरेट करना, तो इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप जो प्लांट का कोई पार्ट है जैसे कि ऑक्सिलरी बर्ड है, रूट है, स्टेम है, उसमें से आप डायरेक्टली नया प्लांट जो है वो जनरेट कर सकते हो, यानी कि एक ही पेरेंट में से आप नया ऑर्गेनिज्म जो है या फिर नया प्लांट जो है वो जनरेट कर सकते हो। और सेकंड स्पेसिफिक रीज़न कि इनमें कोई भी गैमेट्स जो है ना ही मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों में से कोई भी गैमेट जो है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं। अब प्लांट जो है उसके आप हर एक पार्ट में से नया प्लांट सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हर एक प्लांट के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जिसे आप सॉइल में ग्रो करोगे तो वो वापस से नया प्लांट जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं एक्सेप्ट सीड, क्योंकि सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट है, तो सीड में से तो प्लांट जनरेट होंगे ही, लेकिन सीड के अलावा और जो पार्ट है जैसे कि राइजोम है, ट्यूबर, स्टेम, रूट, इनमें से अगर प्लांट जनरेट हो रहा है तो ऐसे जो पार्ट्स है जिनमें से हम नया प्लांट सिंथेसाइज या फिर जनरेट कर सकते हैं उन पार्ट को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच होल प्लांट कैन बी जनरेट, तो इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब प्लांट्स जो हैं, अब डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होती है जैसे कि रनर्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, यानी कि इन सारे स्ट्रक्चर से हम एक नया प्लांट जो है उसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तब हम ये हर एक प्रोपेग्यूल जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रनर। अब रनर मेनली क्या होता है, तो यहाँ पे जो सॉइल के पास स्टेम की जो ब्रांच है वो मेनली हॉरिजॉन्टली यानी कि इस डायरेक्शन में ग्रो होगी, और जैसे ही कोई नोड रीजन वाला एरिया सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे नीचे से रूट सिस्टम और ऊपर पूरी शूट सिस्टम जो है वो डेवलप होगी, और जैसे ही ये नया प्लांट जो जनरेट हो रहा है वो मैच्योर होगा तो ये दोनों प्लांट यहाँ से इस तरह से कट हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेम जो है उसकी ब्रांचेस सबसे पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो होगी, और उसका जो नोड रीजन है मेनली, तो वो नोड रीजन जहाँ पे भी सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे वो सॉइल के अंदर रूट सिस्टम डेवलप करेगा और सॉइल के बाहर शूट सिस्टम, और जैसे ही कंप्लीट प्लांट जनरेट होगा
तो ये ऑफसेट जो है और ये जो रनर है वो सेपरेट हो जाएगी और इस तरह से एक नया प्लांट जो है वो जनरेट होगा, तो इसे हम बोलते हैं रनर। देन सेकेंड इज राइजोम। तो अब राइजोम जो है वो एक तरह का मॉडिफाइड स्टेम ही है जो कि मेनली अंडरग्राउंड होता है। जैसे आपने जिंजर या फिर टर्मेरिक देखा हो तो उनमें हम जो यूज़ कर रहे हैं टर्मेरिक या फिर जिंजर वो मेनली सॉइल के अंदर होते हैं और वो जो पार्ट है वो स्टेम है। अब आप इसे स्टेम क्यों बोलते हो? क्योंकि ये तो सॉइल के अंदर के पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें मेनली नोड रीजन भी होता है। यहाँ पे जो है वो नोड रीजन, देन ये सेकंड नोड है, उसके बाद ये पूरा स्केली लीव से कवर्ड है। तो उस पे जो नोड और इंटर नोड जो प्रेजेंट है उसकी वजह से हम इनको स्टेम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी नोड रीजन है वहाँ पे इस तरह से रूट्स जो है वो मेनली प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं और ऊपर की तरफ जो है उसमें नई शूट सिस्टम डेवलप होती है। तो इस तरह से ये जो राइजोम है उनमें से जहाँ पे भी नोड रीजन होगी तो उस नोड रीजन में से ऊपर की तरफ शूट सिस्टम और नीचे की तरफ रूट सिस्टम जो है वो डेवलप होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि मॉडिफाइड स्टेम है और मेन इम्पॉर्टेंट वो अंडरग्राउंड है और उनमें से नए रूट शूट डेवलप हो सकते हैं, तो ऐसे प्रोपोग्यूल्स को हम बोलते हैं राइजोम। और ये राइजोम जो है वो मेनली जिंजर, टर्मेरिक और लोटस जैसे प्लांट हैं उनमें देखने को मिलता है। देन द थर्ड प्रोपेग्यूल इज शकर। तो शकर जो है वो मेनली क्या है, उसमें प्लांट का जो ग्रोथ हो रहा है वो एक रूट स्टॉक प्रोड्यूस करता है और ये जो रूट स्टॉक है उसे हम ग्राफ्ट करते हैं। यानी कि यहाँ आप देख रहे हो ये पूरा रूट सिस्टम है और उसके पास में ही इस तरह से एक स्मॉल रूट और शूट सिस्टम जो है वो डेवलप होती है। यानी कि जो मदर प्लांट है उसकी जो रूट सिस्टम है उसी में से एक नया शकर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होता है और ये जो नया शकर प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम ग्राफ्टिंग की प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि इसमें से कम्प्लीटली नया प्लांट जो है वो जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे भी कोई गैमेट्स जो है इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इस तरह का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मेनली बनाना का जो प्लांट है उसमें होता है। तो यहाँ पे आप ये जो स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है सकर, जो स्टेम का जो सॉइल के नज़दीक वाला जो भी एरिया है वहाँ पे ये सकर प्रोड्यूस होता है और ये सकर जो है वो मदर प्लांट से डिटेच होके वापस से उसे हम सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और इस सकर में से कम्प्लीटली न्यू प्लांट जो है वो जनरेट हो सकते हैं। देन उसके बाद के जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है वो है ऑफसेट। अब ऑफसेट जो है वो मेनली क्या है, प्लांट में जो भी मेरिस्टेमिक रीजियंस हैं यानी कि जिसमें मेरिस्टेम सेल होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, अब ऐसे एरिया जो हैं वो रूट की जो टिप होती है वहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, देन शूट की जो टिप होती है, देन प्लांट की जो भी ब्रांचेस होती है उन ब्रांचेस के टिप या फिर ऑक्सिलरी बड है, तो जो
प्लांट की टिप वाले एरिया है, वहाँ पे मेनली मेरिस्टेमिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से हम उसे मेरिस्टेमिक रीजियन बोलते हैं। तो मेनली ऑफसेट में क्या होता है, तो ये जो प्लांट की जो सारी शूट्स होती है यानी कि जो ब्रांचेस होती है वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होती है इस तरह से, और उसका जो मेन टिप वाला रीजियन है जहाँ पे मेरिस्टेमिक सेल्स है, वो मेरिस्टेमिक सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होगे और वहाँ पे जो नोड रीजन होगी उसमें से नया प्लांट जो है वो जनरेट होगा, और वापस से जैसे ही ये नया ऑफसेट बना है वो कम्प्लीटली मैच्योर होगा तो वो इस तरह से मदर प्लांट जो है उससे डिटैच होगा और एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू प्लांट जो है वो जनरेट होगा। तो इस तरह से जो प्लांट के मेरिस्टेमिक रीजन है वो मेनली एक नए प्लांट में डिफरेंशिएट होते हैं। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू ऑफसेट। अब इस तरह का जो मोड है वो मेनली जो वाटर हाइसेंथ ही है, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, देन कैक्टी, ऐसे प्लांट में रिप्रोडक्शन जो है वो ऑफसेट के थ्रू होता है। नाउ अदर प्रोपेग्यूल इज बल्ब। तो बल्ब जो है वो हम स्ट्रक्चरली बात करें तो एक शॉर्ट स्टेम है जिसके अराउंड फ्लैशी लीव्स जो है वो अरेंज होते हैं, और ये जो फ्लैशी लीव्स हैं उनमें फूड जो है वो स्टोर होता है जिसे वो डॉर्मेंसी के पीरियड में यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हम अनियन की बात करें तो अगर हम अनियन का इतना सा पार्ट जो है वो अगर सॉइल में इंसर्ट करते हैं तो उसमें से वापस से पूरा अनियन का जो प्लांट है वो जनरेट हो सकता है। तो यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक शॉर्ट स्टेम हो और उसके अराउंड जो है वो फ्लैशी लीव्स कवर्ड हो तो उसे हम बोलते हैं बल्ब। और इस बल्ब को अगर हम सॉइल में ग्रो करते हैं तो उनमें से हम एक नया प्लांट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें बल्ब्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, जैसे कि ट्यूलिप्स, लिलीज, डैफोडिल्स। तो ये कुछ फ्लावर्स हैं जो कि बल्ब के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। ना कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जो रूट्स के थ्रू भी नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि डहालिया, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो डहालिया का फाइबरस रूट जो है उसमें फूड स्टोरेज की वजह से ये स्ट्रक्चर बना है। तो आप हम इस पार्ट को अगर कट करके उसे हम सॉइल में ग्रो करेंगे तो उसमें से जो है वो न्यू प्लांट जनरेट हो सकता है। अब ये पार्ट जो है वो क्योंकि रूट का है तो इस रूट में से ही एक नया प्लांट जो है वो जनरेट हो सकता है। तो इस तरह से प्लांट के जो रूट है उनमें से भी नया प्लांट जो है वो जनरेट हो सकता है, देन स्टेम में से भी पूरा नया प्लांट जो है वो जनरेट हो सकता है। जैसे कि अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो की सरफेस पे आप जो स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखते हो जिसे हम मेनली आइस बोलते हैं, पोटैटो आइस, तो उस आइस को अगर आप सेपरेट करके सॉइल में डालते हो तो उसमें से भी एक नया प्लांट जो है वो जनरेट हो सकता है। देन शुगर कैन जो है उसका भी आप एक छोटा जो स्टेम का पार्ट है उसे कट करके सॉइल में अगर आप डालो तो उसमें से भी
एक नया प्लांट जो है वो जनरेट हो सकता है, सेम वैसे ही जिंजर में भी हो सकता है। तो इस तरह से ही ये ऐसे कुछ प्लांट है जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, अनियन, ये ऐसे प्लांट है जो कि स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं व्हेन बाय दी लीफ। तो यहाँ पे जो ब्रायोफाइलम है जो कि एक प्लांट है, तो ये ब्रायोफाइलम की जो लीव्स हैं तो उसकी लीफ की सरफेस पे यहाँ पे स्मॉल बर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये मेनली लीफ की जो एजिस हैं वहीं पे प्रोड्यूस होती है। और ये जो बर्ड प्रोड्यूस हुई है उसे हम बोलते हैं लीफ बर्ड। तो ये जो लीफ बर्ड है उसमें से नया प्लांट जो है वो जनरेट हो सकता है। अब जैसे ही ये बर्ड जो है वो मैच्योर होगी, वो धीरे धीरे करके लीफ जो है यानी कि जो मदर प्लांट है उससे डिटैच होगी और एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो होना स्टार्ट होगी। देन फ्लावर बर्ड, तो अब ये फ्लावर की जो बर्ड है उसके थ्रू भी कुछ प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे कि ऑक्जेलिस। देन ऑक्जिलरी बर्ड के थ्रू डायोस्कोरिया। देन उसके बाद है बल्बील, तो ये बल्बील जो है वो एक फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ऐसा जो बल्बील है वो मेनली जो एगेव के जो प्लांट है उनमें मेनली देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग प्लांट्स जो है वो उनके अलग अलग पार्ट्स में से नया प्लांट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, एक ही पेरेंट में से सिमिलरली उसकी कॉपी प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नाउ यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इट्स योर होमवर्क फॉर टुडे।